भाइयों बहनों, आज हम लोग पिता पुत्र और पवित्रात्मा की अगुवाई में मसीह आगमन को देखेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है, और हम लोग इन्हें किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से समझते हैं। लेकिन प्रभु का आत्मा पवित्रात्मा की अगुवाई में वचन में होकर पिता की ओर से क्या कहता है असल में, तो आइए हम लोग देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार का 24 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु के चेले उसके आने और जगत के अंत का चिन्ह पूछते हैं। यीशु कहता है, जैसे पूर्व से पश्चिम तक बिजली चमकती है, वैसा ही उनका आना होगा। और कहाँ के विषय में कहते हैं, जहाँ लोथ होंगे वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। उसके बाद यीशु कहते हैं, उन दिनों के बाद सूर्य कंबल के समान काला और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, वरन चंद्रमा लहू के समान हो जाएगा। आकाश से तारे गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। ये कहते हुए यीशु कहते हैं, और तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य से बादलों पर आते देखेंगे, और मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब वो अपने दूतों को तुरही के साथ पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक भेजेगा कि चारों दिशाओं से अपने चुने हुए को इकट्ठा करें। तो आइए, आज का जो विषय है, मसीही आगमन, और हम लोग इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं, मसीही कलीसिया कैसे पढ़ती और कैसे सोचती है। लेकिन असल में परमेश्वर का वचन पवित्रात्मा में होकर, जो हम पापियों पे आज उसका प्रकाश, उसकी अगुवाई, उसकी अनुग्रह जो हम पर प्रकट हुई है, जो इस काबिल कतई नहीं थे, क्योंकि जब हम पापी ही थे और जब हम पापी ही हैं, तब मसीह हमारे लिए मरा, और आज यीशु मसीह की मृत्यु में हम पाए जाते हैं, और उसी के पुनरुत्थान में हम विश्वास में जीवित हैं और सदैव जीवित रहेंगे, इस जीवन से अनंत जीवन तक, क्रूस मृत्यु से पुनरुत्थान तक, हर दशा में, जिस दशा में प्रभु को महिमा मिलती है और जो प्रभु को भाता है। तो भाइयों बहनों, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह जो है पुत्र हैं, वो कहते हैं कि जैसे पूर्व से पश्चिम तक बिजली चमकती है। कहने का मतलब है, पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी में, पूर्व से पश्चिम तक विपत्ति होगी, और यह चिन्ह होगा यीशु मसीह के आगमन का। और यीशु मसीह ने कहा, उसमें लोग कहेंगे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, परंतु तुम चले मत जाना। वो कहेंगे वो कोठरियों में, वो जंगलों में है, क्योंकि हम लोग यीशु के आगमन को शारीरिक दशा में बात करते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह चेलों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं, अब तुम मुझे फिर ना देखोगे, पर कुछ देर बाद देखोगे, परंतु मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, जो तुम्हारी सहायता करेगा। वह आत्मा मेरी महिमा करेगा और मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि वह पिता की ओर से होगा और मेरी बातों में से लेकर बताएगा। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि पवित्र आत्मा आज परमेश्वर का सच्चा वचन है, जिसके द्वारा यीशु मसीह सामर्थ के साथ पहले आगमन में देहधारी होकर, परमेश्वर का वचन होकर हमारे बीच में डेरा किया, बपतिस्मा लिया, प्रचार किया राज्य का सुसमाचार का, दुख उठाया, क्रूस मृत्यु हमारे पापों के लिए, व्यवस्था का बोझ अपने ऊपर ले लिया, पापों का बोझ, बीमारी का बोझ, लाचारी का बोझ, हमारी कमियों का और हर एक बुराई का बोझ, और अपने ऊपर ले लिया क्रूस पे, और आज परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहां से वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने को फिर आएगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि न्याय के समय हम लोग यीशु मसीह को देखेंगे, और उस वचन में मत्ती में परमेश्वर क्या कहते हैं कि जहां लोथ हो वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। कब की बातें उन्होंने कह दी, कैसा होगा, जब पूरब से पश्चिम तक जैसे बिजली चमकती है पूरे विश्व में विपत्ति होगी। ये मनुष्य का पुत्र का आगमन है आत्मिक रूप से, जहां लोथ हो वहां गिद्ध होंगे, हर एक तरफ विपत्ति होंगी, लाशें होंगी, और पक्षियां मनुष्यों के मांस को खा रही होंगी, जैसा प्रकाशित वाक्य कहता है। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि सूर्य कंबल के समान काला हो जाएगा। कहने का मतलब, सुसमाचार का प्रचार का समय पूरा हो चुका है, जैसे परमेश्वर ने कहा भी था, राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा इस संसार पर से हट जाएगी, चंद्रमा लहू के समान हो जाएगा। कलीसिया क्या, इसराइली क्या, अन्य जाति, हर कोई बुलाया गया है। सूर्य का प्रकाश चांद पर चमकता है, जो अंधकार में रहती है, जिसमें दाग है, तो हर एक को अपने पाप और दाग धोने का अवसर मिला है, क्या पहले, क्या पिछले, क्या बड़े, क्या छोटे, क्या बूढ़े, क्या जवान। परमेश्वर का न्याय सबके लिए समान है, किसी का न्याय नहीं करता वो।
क्योंकि सूर्य सब पर प्रकाश देता है, उसी प्रकार परमेश्वर का सुसमाचार का प्रकाश सब पर चमका है। अब परमेश्वर का न्याय होगा और यीशु मसीह के मांस और लहू में सब जो पाए जाएंगे वे परमेश्वर की दशा में मृत्यु पाएंगे, लेकिन जो उसमें नहीं पाए जाएंगे वे संसार शरीर और शैतान की दशा में पाए जाएंगे। कुछ चुने हुए बचाए जाएंगे और कुछ विनाश के लिए रखे जाएंगे जो विश्वास नहीं करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा लहू के समान हो जाएगा, माने जो कलीसिया है पृथ्वी पर इसका लहू बहेगा, यहाँ लोगों का लहू बहेगा, विपत्ति होगा, तारे गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तो इस संसार का सरदार जो शैतान है, उसकी जो शक्तियां हैं, दुष्ट आत्माओं की जो सेना है उसकी, जो हमारे ऊपर वास करती है, और जो स्वर्ग से गिरा दिया गया और जो आसमान का राजा कहा गया है, जो आकाश का राजा कहा गया है, उसकी शक्तियां हिलाई जाएंगी, उसका राज्य गिराया जाएगा और तब शैतान क्रोध में आकर हम सबों को भरमाएगा और यहाँ युद्ध ही युद्ध होंगे। वो विपत्ति डालेगा उसके लोगों पर जो मसीह पर विश्वास रखते हैं और उसके सुसमाचार की गवाही देते हैं, और बहुत ही कठिन समय होगा वो, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्गों के लिए, क्या देश, क्या विदेश, हर एक के लिए, हर एक कोने के लिए, हर एक लोगों के लिए होगा। आकाश से पृथ्वी तक, पृथ्वी से समुद्र तक, क्या पक्षी, क्या पशु, क्या इंसान, क्या जलचर, हर एक के लिए होगा। और तब हम परमेश्वर के पुत्र को छिन्न आसमान में देखेंगे और तब वो तुरही के साथ अपने दूतों को आज्ञा देगा। ये तुरही हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य 7 तुरही, वहां हम लोग देखते हैं परमेश्वर का मेमना है जो तुरही खोलने के योग्य कहा गया है, और कोई नहीं है जो उस मोहर्रम पुस्तक को खोले और 7 तुरही को खोलता है और अपने दूतों को आज्ञा देता है, और तरह तरह की विपत्ति पड़ती है संसार के अंत में, इस पापी साम्राज्य, पापी दुनिया के अंत में। और हम लोग देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र का ये चिन्ह है, तो स्वर्ग के राज्य को किसी ने कभी आते हुए नहीं देखा। जैसे यीशु ने कहा, कोई ये नहीं कहेगा स्वर्ग का राज्य यहाँ है या स्वर्ग का राज्य वहां है, परंतु स्वर्ग का राज्य तुम्हारे हृदय में है। तो यीशु मसीह का ये जो आगमन की जो बातें हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं, ये परमेश्वर आत्मिक रूप से कहते हैं, और हम लोग सब मेमना को सिंहासन पे देखेंगे न्याय के समय, और परमेश्वर आत्मा में इकट्ठा करेगा इस छोर से उस छोर तक अपने चुने हुए लोगों को। क्योंकि कुछ विश्वासी परमेश्वर मरेंगे, कुछ विश्वासी उस चिन्ह के लिए जो परमेश्वर ने कहा है उठाए जाएंगे, अपनी हर एक बातों को पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा, और व्यवस्था की एक मात्रा बिंदु भी पूरे हुए नहीं टलेगी। तो हम लोग देखते हैं वो तुरही में परमेश्वर ने 7 तुरही को के बारे में कहा है, विपत्तियां होंगी और परमेश्वर अपने चुने हुए को इकट्ठा कर रहा होगा, चाहे वो मुर्दे हैं चाहे वो जीवित हैं, वो उठा लिए जाएंगे आत्मा में। और मनुष्य का यह चिन्ह होगा, मनुष्य के पुत्र का, परमेश्वर के पुत्र का, यीशु मसीह का। फिर हम लोग देखते हैं दानियल में, हम लोग देखते हैं कोई वो मनुष्य के पुत्र को आते हुए देखता है और वो अति प्राचीन के बस आता है और सिंहासन पर विराजमान होता है, उसको राज्य और प्रभुता दी जाती है, वो बादलों में होकर आता है। यही हम लोग नए नियम भी देखते हैं, वो बादलों में होकर आ रहा है, वो घोड़े में होकर आ रहा है, वो आग में होकर आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं ये उसकी महिमा को दर्शाता है कि यहवा बादलों में होकर आ रहा है, यहवा का न्याय आगमन होकर आ रहा है, यहवा राजा हुआ है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हम लोग देखते हैं ये सब उसकी महिमा को दर्शाता है। और हम लोग देखते हैं यीशु का जब चेहरा बदलता है मृत्यु के कुछ समय पहले, पकड़े जाने के कुछ समय पहले, उसके साथ 2 मनुष्य दिखाई देते हैं, मूसा और एलिया आत्मा में। मूसा वो है जो व्यवस्था को देने वाला है, व्यवस्था में तो हम सब मरते हैं, आदम में हम सब मरते हैं, लेकिन एलिया जीवित उठा लिया गया। यह यीशु मसीह का चिन्ह था कि वो हमारे व्यवस्था के लिए, हमारे पापों के लिए मरेगा और एलिया के समय समान उठा लिया जाएगा, अब वो दोबारा मरने का नहीं। तो यीशु मसीह शारीरिक दशा में नहीं, परंतु उनका आगमन आत्मिक दशा में होगा, और संसार में वो सभी घटनाओं को वो बताते हैं कि ये मेरे आने का चिन्ह है, और हर एक कोई उनको न्याय के सामने लेखा देगा, जैसे हम लोग कहते हैं कि वह जीवितों का और मृतकों का न्याय करेगा, परमेश्वर के दाहिने सिंहासन में बैठता है। तो इन्हीं बातों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। सुनने वाला अपनी समझ का सहारा ना ले जैसे हम लोग नहीं लेते हैं, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा भरोसा कर, वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा, और तब तुम यहोवा के ज्ञान को जानोगे, यहोवा के बुद्धि ज्ञान समझ को जानोगे, और खुद भी उसमें बने रहोगे, उस बीज में दाखलता में डालियां और फल बनकर और भी सहभागी बनेंगे। तो हर एक सुनने वाला आश्रित हो हमने जो बोल पाए परमेश्वर की ओर से बोल पाए, और हम यहोवा पे ही घमंड करते, क्योंकि वचन कहता है जो घमंड करे यहोवा पे घमंड करे, हम उसी की बुद्धि ज्ञान शिक्षा पे घमंड करते हैं, मनुष्य की शिक्षा मनने लगाते हैं, क्योंकि लोग हमें अटेंशन दे इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का अटेंशन है। हम दूसरों का अटेंशन है, दूसरों के साथ तारीफ पाने के लिए, दूसरों का धन पाने के लिए, मिनिस्ट्री चलाने के लिए काम नहीं करते। यह परमेश्वर की सेवकाई है, परमेश्वर की मिनिस्ट्री है, परमेश्वर गवाही है,
और परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर इसको सुरक्षित रखेगा और अपने हाथों के दान से, वरन हर एक वरदान से अनंत जीवन तक हमें आगे बढ़ाता रहेगा अपनी देह यीशु मसीह की सहभागिता में और पवित्र आत्मा में होकर सदालो सदालो। आमीन।